उत्तर प्रदेश में जनपद फिरोजाबाद की तहसील शिकोहाबाद में गरीबों के परिवार बेघर होने की कगार पर है। 20 गरीब परिवार परेशान है। आरोप है कि चंदेल टेंट वाले जबरन हमारे घरों को अमीन द्वारा खाली कराने का दबाव बना रहे हैं। मामले की शिकायत जिलाधिकारी रवि रंजन से भी की गई है। 20 से 25 परिवार मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ रह रहे गजेंद्र सिंह, हरिचंद्र, अजय, मुन्ना लाल, शकील, रामधन, राज कपूर, राहुल समेत अन्य लोगों ने बताया कि 20 से 25 परिवार 105 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं। तब किसी ने भी अपनी जमीन नहीं दर्शाई। उसके 55 वर्ष से कुछ भूमाफियाओं ने दर्शाया कि हमारे पर इस भूमि का बैनामा है। ये जमीन कुछ सूत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि ये भूमि किसी मुस्लिम समुदाय की थी, जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंटवारे के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग पाकिस्तान चले गए और ये बैनामा जिसने करा लिया वह बैनामा बिल्कुल फर्जी है। लड़कियां भी बेइज्जती करवा रहे हैं पुलिस वालों को बुला बुला के, असने रुपए लेके हमारी लड़कियों की बेकरनी खराब करवा रहे हैं, घर से बेगम करवा रहे हैं। हमें रोने को जगह नहीं मिल रही, बच्चों को जीने को जगह नहीं मिल रही, हमारे घर बार टूटने की नौबत आ रही है। हम लोग कहाँ जाए? मोदी ने हमारे विकास दिया तो विकास हमारा टूटवा रहे हैं। सीएम बिहारी जो है बिना जाति से लगा हुआ है। तुम अपना मैटर बताओ। सर हम लोग इस हमारी जमीन थी दादा परदादाओं की और इस जमीन में हम लोग बहुत करीबन 100 सवा साल से हम लोग रह रहे हैं। इस तरीके से हम लोग कम से कम 100 सवा साल से रह रहे हैं यहाँ पे और सर आज तक मतलब जो कहे 50 वर्ष तक तो किसी ने हमसे कुछ भी नहीं कहा। 50 वर्ष के बाद में फिर साहब हमको मतलब ये कहने लगे ये हमारा बैनामा, ये बैनामा ऐसा फर्जी बैनामा दिखा करके सर हम पे एक तरफा केस करके हमारे साथ में मतलब ये मतलब छीना झपटी का व्यवहार किया जा रहा है साहब। हम लोगों को आज हमारी बहन बेटी पेशाब लेटरिंग के लिए बाहर जाती है, सब लोग देखते हैं साहब। मैं मोदी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जिस जगह पे हम रह रहे हैं वो जगह हमारी है और दूसरे आदमी कहते हैं कि हमारी है। अब हमें 100 साल हो गए, बाप मर गए, दादा मर गए, अब छोटी छोटी बच्चे हम कहाँ लेके जाए? हम यही आग लगा के मरेंगे। बच्चों को कहाँ लेके मरेंगे जाके ये बताइए, अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ ले जाएंगे? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।